ये तस्वीरें हैं कांग्रेस महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की। यूपी में चुनावी यात्रा से पहले उन्होंने प्रयागराज में गंगा की पूजा की थी और हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी प्रियंका की मंदिर दौड़ शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं। यहां वो इंदौर और रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी, लेकिन उससे पहले उज्जैन जाएंगी और प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। महाकाल मंदिर पर लाखों हिंदुओं की अटूट आस्था है। शायद इसी वजह से प्रियंका मंदिर दर्शन के जरिए हिंदू वोट बैंक को साधने में जुटी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उज्जैन के महाकाल मंदिर गए थे और माथा टेका था, जिसका असर भी देखने को मिला था। हिंदुत्व की राह पर वापसी और किसान कर्ज माफी के मुद्दे ने कांग्रेस को एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी रण में जीत दिला दी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस मंदिर दर्शन का कोई मौका नहीं छोड़ रही, लेकिन सवाल ये है कि राहुल और प्रियंका को चुनावी मौके पर ही भगवान की याद क्यों आती है? चुनाव आते ही उन्हें भी राम नाम की याद आने लगती है। यूपी में चुनावी प्रचार के दौरान प्रियंका ने संगम के तट पर गंगा पूजा और मंदिर के दर्शन किए थे। गंगा यात्रा के दौरान उन्होंने मंदिरों के चक्कर काटे थे। वो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर पर गई थी और अयोध्या में प्रचार के दौरान हनुमानगढ़ी जाकर भी दर्शन किए थे। दरअसल 2014 में कांग्रेस को मिली करारी हार के पीछे बड़ी वजह हिंदू वोट बैंक का खिसकना था। लिहाजा हिंदुओं के दिलों में फिर से जगह बनाने के लिए कांग्रेस ने आस्था का सहारा लेना शुरू कर दिया। राहुल गांधी का जनेऊ धारण करना और मंदिर मंदिर जाना इसी रणनीति का हिस्सा है, जबकि पहले राम और मंदिर को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या था उससे सभी वाकिफ है। कांग्रेस पार्टी कोर्ट में दस्तावेज देती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, वही राम भक्त बनकर घूम रहे हैं। जिनकी नई पीढ़ी के पास विदेश घूमने का वक्त था, आज गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं। बात अगर मध्य प्रदेश के चुनावी रण की करें तो 2014 में बीजेपी ने 29 में से 26 सीट जीतकर कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और कमलनाथ की अगुवाई में बीजेपी को कांटे की टक्कर दे रही है। चुनावी चक्रव्यूह के आखिरी द्वार में बढ़त बनाने की जुगत में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल प्रियंका समेत दिग्गज प्रचार में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि मंदिर दर्शन और किसान कर्ज माफी का कितना असर एमपी की चुनावी जंग में पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।